आरसीबी अब बिगाड़ सकती है इन टीमों का खेल। प्लेऑफ पर आ सकता है संकट आरसीबी। अब खुद तो प्लेऑफ की दौड़ से करीब करीब बाहर है, लेकिन वो बाकी टीमों का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। फाफ डुप्लेसी की कप्तानी वाली आरसीबी ने इस साल के आईपीएल में अब तक केवल एक ही मैच जीता है। टीम के पास कुल जमा 2 अंक है। टीम अभी तक आधिकारिक तौर पर तो प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं हुई है, लेकिन ये भी आने वाले कुछ दिन में हो सकता है। इस बीच आरसीबी की टीम अपने बचे हुए मैच खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन जिन टीमों से उसका मुकाबला है उनका खेल जरूर ये टीम बिगाड़ सकती है। आरसीबी हैदराबाद और गुजरात से खेलेगी मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपने अगले मैच में 25 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी। वैसे तो एसआरएच की टीम जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है उससे लगता है कि टीम प्लेऑफ में चली जाएगी, लेकिन उसके लिए मैच जीतना होगा। वहीं गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच अभी 2 मुकाबले बाकी, ये बैक टू बैक खेले जाएंगे। 28 अप्रैल को अहमदाबाद में ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वहीं 4 मई को फिर से मैच होगा, लेकिन इस बार टक्कर बेंगलुरु में होगी। गुजरात टाइटंस की भी हालत पतली है। अगर आरसीबी ने कहीं उन्हें हरा दिया तो शुभमन गिल की टीम मुश्किल में पड़ सकती है। पंजाब दिल्ली और चेन्नई से भी होने हैं मुकाबले। आरसीबी की टीम पंजाब दिल्ली और चेन्नई से भी भिड़ेगी। पंजाब किंग्स के खिलाफ आरसीबी का मैच धर्मशाला में 9 मई को खेला जाएगा। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 12 मई को मैच होना है। चेन्नई सुपर किंग्स से आरसीबी का आखिरी मैच 18 मई को बेंगलुरु में ही खेला जाएगा। इस तरह से देखें तो आरसीबी के सारे मुकाबले उन्हीं टीमों से हैं जो प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार तो हैं, लेकिन अगर 1-2 मैच हार गईं तो ये सपना बनकर रह सकता है। आरसीबी हो सकती है खतरनाक। आरसीबी की टीम अब और भी ज्यादा खुलकर खेलेगी, क्योंकि उसके लिए अभी प्लेऑफ में जाने की ज्यादा संभावनाएं नहीं है। टीम अब तक 7 मैच हार चुकी है और 1 मैच और हारते ही जो रही सही कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में बाकी टीमों को आरसीबी को हल्के में लेने के जगह ठीक से संभल कर खेलना होगा, ताकि आखिरी वक्त में कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए।